छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेलिंग करने का मामला सामने आया है। मेडिकल की पढ़ाई कर रही छात्रा ने कारोबारी से करोड़ों रुपए वसूल की और अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बाकी चार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। रायपुर में कारोबारी से खूबसूरती के जाल में फंसाकर करोड़ों रुपए वसूलने मामले में पुलिस ने पूरा जाल बनाकर युवती को गिरफ्तार किया है। जब ब्लैकमेलिंग की रकम मांगे तब पुलिस ने सिविल वर्दी में तैनात होकर आरोपी प्रीति तिवारी को 50 लाख रुपए डिलीवरी लेते हुए कचना रेलवे के पास गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद कई अहम खुलासे भी हुए हैं। मामले में मंगेतर रिंकू शर्मा समेत चार लोगों की संलिप्तता पाई गई है। 2012 में फेसबुक के जरिए चेतन शाह कारोबारी से दोस्ती होती है, उसके बाद उनकी मुलाकात काफी बढ़ती जाती है। चेतन का आरोप है कि प्रीति ने अपने खुफिया कैमरे में अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेलिंग किया और करीब 1,38,51,000 रुपए वसूल चुकी है। इतना ही नहीं, कारोबारी से दो वर्णाकार और ब्रेजर ब्लैकमेल कर ऐड चुकिया है। डरा धमका कर मुंबई और जगदलपुर घुमाने भी लेकर गई। पुलिस अब प्रीति के मंगेतर समेत चार लोगों की तलाश कर रही है। वहीं इस मामले में पुलिस मध्य प्रदेश हनी ट्रैप को भी जोड़कर देखने की कोशिश कर रही है कि वहां पर भी जो है संलिप्तता सामने आई थी कि कॉलेज की लड़कियों को इसमें ढकेला गया और उनसे यह ब्लैकमेलिंग का काम कराया जा रहा है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर अखिलेश जायसवाल।